मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी भांजियों के जन्म से लेकर अच्छा स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा देने के दावे करते नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उमरिया जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम सेवई में एक मां को कीचड़ में ही अपनी बच्ची को जन्म देना पड़ा। जी हां, गांव में सड़क मार्ग का काम पूरा ना होने के कारण पूरी सड़क कीचड़ से भरी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हद तो अब हो गई जब इसी सड़क के कारण महिला सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी और उसने रास्ते में ही बच्ची को जन्म दे दिया। विधायक के पिता और तत्कालीन मंत्री ज्ञान सिंह के द्वारा सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा चुका है, जिसके बाद भी सड़क के हाल वही के वही हैं। वहीं इस घटना पर बांधवगढ़ विधायक का मानना है कि सड़क ना बनने के कारण ग्रामीण आदिवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गांव में आज तक चन्नी एक्सप्रेस की सुविधा भी नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से गर्भवती महिलाओं का प्रसव कहीं कीचड़ में हो जाता है तो कहीं प्रसव के दौरान महिलाएं दम तोड़ देती। पर प्रदेश के मुखिया को इन क्षेत्र में रह रही भांजियों और बहनों की कोई चिंता नहीं है। आपको बता दूं कि ग्रामीण कई बार उमरिया कलेक्टर को सड़क निर्माण के लिए आवेदन दे चुके हैं। इस बात पर कलेक्टर का कहना है कि ग्रामीणों को जिसकी जमीन है उसी के पास जाकर ये निवेदन करना चाहिए और वही सड़क बनवाएंगे। रोड के लिए आए सर, यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज भी आए हैं तो कलेक्टर साहब बोले हैं कि जिसकी ज़मीन है उसी के पास जाओ और मांगो। 1 तारीख को डिलीवरी हो गई थी म्याड़ में, कीचड़ में, वहाँ कोई हमारे देखने वाला नहीं था, देखभाल न, एम्बुलेंस टाइम से आ पाती वहाँ से, और रोड में लेके आते हैं तब हमारी गर्भवती महिला जाती हैं हॉस्पिटल। इसके लिए हमारी बहुत परेशानी हो रही है कीचड़ में, और 4 बार आ चुके हैं यहाँ पर तो कलेक्टर साहब हमारी कोई नहीं सुनते। अभी बोले हैं जिसकी ज़मीन है उसी के पास जाओ और ज़मीन मांगो, तब हम कुछ कर सकेंगे, नहीं ना कर पाएंगे। सेवाई के हमारे हैं रोड के भी सेवा भाई, रोड हमारे गांव में नहीं बनते, मुख्यमंत्री आके सब करके भूमि पूजन कर गया और नहीं फिर ध्यान दिए। 2-4 बेर है यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए तो कुछ सुनाई से नहीं होती है। 8 साल हो गया। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि जाओ उसके पास, जिसके ज़मीन उसके पास जाओ, तो हाथ विनती करो, दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हो गया, गुजर तो रहे हैं, अब क्या करेंगे। रोड में तो बहुत परेशानी में, जब इतने रोड कांदुम निकल आते, टेहना कांदुम से आते हैं, अब ये झूठ होता है जाकर देख लिए जिसको देखना होता। मध्य प्रदेश में जब पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी और भाजपा की सरकार बनी थी, तब से भाजपा के नेता मंच पर इस बात को कहते नहीं थकते थे कि हमने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है, मध्य प्रदेश की सड़कें विदेश से अच्छी हैं। तो वहीं गांव में सड़क को बनाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। बांधवगढ़ विधायक का इस मामले पर कहना है कि ये घटना सरकार की कमियों को उजागर करती है। गांव के पहले से वही गांव के वहां के लोगों से मिला, मैंने देखा भी वहां जाकर मेड़ के मेड़ से आना जाना होता है, लेकिन राजस्व की जमीन सरकारी जमीन न होने के कारण वहां सड़क नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि सब माननीय पूर्व सांसद श्री ज्ञान सिंह जी उस समय चलती थी खेत खल सड़क योजना अभियान, संदूर सड़क योजना चलती थी, उस समय वो भूमि पूजन करके आ गए थे कि इसके माध्यम से सड़क को बनाना है, लेकिन सड़क तभी बनेगी जब जमीन लोग स्वेच्छा से देंगे। जनप्रतिनिधियों की क्या पहल होगी इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर जो अभी घटना हुई है, परसों नर्सों की घटना है, एक प्रसव जो हुआ है रास्ते में, ये चिंतनीय है। इस विषय में हम अभी कलेक्टर साहब के साथ बैठे थे, इसमें चर्चा हो रही थी कि हम कुछ ना कुछ वहाँ करें ताकि जो जिनकी ज़मीन फंसी हुई है
उस शिक्षा से जब सड़कें कुछ बन जाएंगी तो आवाज जावक बना रहेगा, स्वाभाविक है वहाँ के लोग फिर जमीन देने का प्रयास करेंगे। अपन भी दबाव प्रयास करेंगे कि आप लोग भी अपनी जमीन इन ग्रामीणों के लिए दिया जाए। एक ओर सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए हर वह प्रयास करने के लिए अवतर है जिसके वह हकदार हैं, मगर जिला प्रशासन और सरकार की अनदेखी के कारण आज सेवई गांव में बूढ़े से लेकर बच्चे तक इस कीचड़ में सनकर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने की बजाय दरकिनार कर अधिकारी फायदा उठा रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।